वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो एनएलटीएच 2021 के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। और ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ये आपके आईटी स्टूडेंट का है, लेकिन ये जो वीडियो है ये आप चाहे आईटी के हो या फिर सीएस के हो, आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और यदि आपका भी इंटरव्यू होने वाला है विप्रो का, तो ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपका सीएस स्टूडेंट का था, और उस वीडियो में जिस तरीके से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये जो आईटी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे गए, उन दोनों में बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस है। जो पिछली वीडियो है जो सी एस सी स्टूडेंट की, उसकी लिंक मैं ऊपर आपके आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। और ये जो आई टी स्टूडेंट की वीडियो है, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यार, वो ये है कि व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव मेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही जो आई टी स्टूडेंट था उससे ये पूछा गया कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ जो आपने अपने कॉलेज टाइम में किए हैं। सो ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिखे हैं वो उस स्टूडेंट ने लिखे थे, आपसे आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आप वहाँ लिख सकते हैं। सो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, सेंटीमेंट एनालिसिस सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट ने किए हुए थे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करें कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो व्हाट वाज योर रोल इन द ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोजेक्ट। सो माय रोल वाज टू क्रिएट द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, आई यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक HTML एंड CSS। सो जो मैंने सी एस सी स्टूडेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, उसमें आपने पूरी वीडियो यदि देखी होगी, सो उसमें कहीं भी उससे ये नहीं पूछा कि आपका प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए थे। बट ये जो स्टूडेंट था उससे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लें कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, और उसी से रिलेटेड पर आगे भी उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आप यदि इंटरव्यू देने वाले हो तो यार ये आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको अच्छी डीप नॉलेज होना चाहिए, आपने क्या काम किया है उसमें, क्या लैंग्वेजेस यूज़ करी हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि जब आपसे इंटरव्यूअर उससे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप बता पाओ। ठीक है, तो ये उसने जवाब दे दिया कि उसने HTML और CSS यूज़ करे थे फ्रंट एंड बनाने के लिए, और उसका जो रोल था वो फ्रंट एंड जो फ्रंट एंड था वेबसाइट का, वो काम था उसका। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा। इन हाउ मैनी वेज वी कैन इंटीग्रेट CSS टू अवर वेब पेज। सो आप देख पा रहे हो कि जितने भी उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसने एक जो प्रोजेक्ट था वो उसका था ई कॉमर्स वेबसाइट। सो अब उससे वो HTML और CSS के क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि उसने फ्रंट एंड हैंडल किया था उसमें। सो वी कैन इंटीग्रेट CSS इन थ्री वेज टू अवर वेब पेज, डेट इज इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सो व्हाट इज बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। सो ये जो है आपका ये फ्रेमवर्क है, यदि आप पाइथन में आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आपको उसके फ्रेमवर्क्स भी थोड़े बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप है वो CSS का फ्रेमवर्क है, और जैसे कि उसने फ्रंट एंड हैंडल किया था तो उन्होंने उसका फ्रेमवर्क भी पूछ लिया। पाइथन का फ्रेमवर्क है जैसे जेंगो, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाउ टू रिमूव बाइट स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी उसने जो इंटरव्यूअर है उसने उससे पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि जो आपके फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था उसका जो वो आपका पाइथन से रिलेटेड था, सो उसने पाइथन से भी क्वेश्चन पूछे कि आपने सही में उसमें काम किया है कि नहीं। सो आपको यदि आपने काम किया होगा तो आपको पाइथन के बारे में भी नॉलेज होगा, तो यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है कि आपने जो बताया है कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो जो भी आप कहो वहाँ पे, तो सोच समझ के कहना कि आपने सही में काम किया है उस प्रोजेक्ट पे कि नहीं किया। ठीक, सो पाइथन प्रोवाइड्स अ बिल्ट इन फंक्शन स्ट्राइप टू रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक, सो ये फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा। सिक्स्थ, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो ये तो आपके बेसिक क्वेश्चन है कि आप ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप लाइक फॉर व्हाइल डू व्हाइल। सो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसको टर्मिनेट करने के काम आता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। Then continue statement is used to skip the rest of the loop and execute the next iteration. So जो employee management system था वो उसने CSS C++ में बनाया था।
तो उन्होंने ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट उससे रिलेटेड पूछा। सो अभी तक जो उसने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी उसमें उसने फ्रंट एंड हैंडल किया था, उससे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। पाइथन में उसने प्रोजेक्ट किया था तो पाइथन से क्वेश्चन पूछ लिया, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो उसने बनाया था C++ में उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सो जो भी आप वहाँ पे प्रोजेक्ट बताओ तो सोच समझ के कहना, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो अब ये ऊप्स की तरफ आ गए कि आपका ऊप्स में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। सो ये आपकी डेटा एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई। देन एट्थ क्वेश्चन जो है आपका वो है, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स इन SQL। सो आप सोच देख रहे हो कि आप मतलब इसमें ये जो इंटरव्यू है इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, यानी कि उसने जो प्रोजेक्ट में जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SQL जो है उसमें उनका जो डेटाबेस था ई कॉमर्स वेबसाइट में डेटाबेस से रिलेटेड उसमें भी उसने काम किया था, और ये उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि SQL में सिर्फ आप कंस्ट्रेंट्स बता दो, उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं। और उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि आप कंस्ट्रेंट्स बता दो कि SQL में किस कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं। सो दीज आर देयर आर फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, नॉट नल, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट, यूनिक और फॉरेन की। तो ये आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं SQL में। ठीक, आप चाहो तो डेफिनेशन देख सकते हो, बट डेफिनेशन उन्होंने नहीं पूछी थी, उन्होंने सिर्फ कंस्ट्रेंट्स पूछे थे। और उन्होंने ये भी पूछा था कि प्राइमरी की आपने जो अपने डेटाबेस बनाया है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में, उन आपने किस कॉलम को, आपने एट्रीब्यूट को कह सकते हैं कि किस एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की लिया है, ये क्वेश्चन भी उन्होंने उससे पूछा था। सो भले ही उसका फ्रंट एंड था, बट उन्होंने ये एक टेस्ट करने के लिए कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट बना था वो क्या था, मतलब कैसे किस तरीके से काम कर रहा था, तो उन्होंने ये भी पूछ लिया था। और ये SQL का क्वेश्चन ये था कि प्राइमरी की आपने किस एट्रीब्यूट को लिया है। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, सो व्हाट इज अ जॉइन एंड इट्स टाइप। द SQL जॉइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू और मोर टेबल्स इन अ SQL डेटाबेस बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन द टू। सो जो आपका जॉइन होता है वो आपका रिकॉर्ड्स को कंबाइन करने का काम आता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स की। और टाइप्स ऑफ जॉइन जो है वो आपके हुआ है लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। सो ये नाइन क्वेश्चंस उस स्टूडेंट से पूछे गए थे जो आपका IT स्टूडेंट था। लेकिन ये क्वेश्चन यदि आप CSS ब्रांच के भी हो तो भी ये आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, इस स्टूडेंट से उन्होंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको आपकी जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए, आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सो क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं सो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो, और यदि मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दूसरे शेयर करो, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना विप्रो का NLTH का इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। सो सी या बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय।